एम्पायर के घर पे आना तो ये सीवीओ वाला रोड है और ये सीवीओ के सामने एक्सिट ग्लोब टावर है। ग्लोब टावर वाले इस कट पे जाना है, इस कट के अंदर सीधा अंदर घुसोगे सामने वो एम्पायर का घर पहले ही गली। अल्लाह फाइनली हम लोग उसके घर के पास तो पहुंच चुके हैं यार, ये घर है ठीक है। हाँ भाई क्या सीन है? उसकी बाइक ले रही है। अबे यार ये हमारी गाड़ी जाने से पहले पंचर हो गई यार। हमारे अद्भुत भाई ने किया तुमने? हाँ हमारे अद्भुत भाई मेहनत करते हुए तो भाई व्लॉग को करते हैं आज यहीं से स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक और न्यू व्लॉग के साथ, आपका भाई फिर से हाजिर। तो भाई इसी तरह हम लोग निकल रहे हैं DHA में शूट के लिए ठीक है। वहां से हम लोग जाएंगे, हम लोगों ने लोकेशन वगैरह तो एम्पायर YT का निकाल लिया ठीक है। शायद हम वहां से निकले उनके घर के पास, अगर हमें वो मिला तो गुड लक, नहीं मिला तो बैड लक, देखते अब क्या सीन होगा आगे जाके। अब यहीं से हम लोग निकल रहे तो मिलते हैं आगे। तो फाइनली हम लोग DHA में पहुंच गए, जहाँ जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग DHA में जा रहे शूट के लिए। तो हम अपने लोकेशन पे पर पहुंच चुके हैं, ये हमारा लोकेशन है ये सारा ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग शूट वगैरह करते हैं। वैसे मुझे एक लोकेशन पीछे पसंद आ चुका है, अब यहाँ थोड़ा शूट यहाँ पे मतलब 3-4 वीडियोस वगैरह तस्वीरें वगैरह यहाँ खींच के फिर वहाँ जाके वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि मुझे वो लोकेशन ज़्यादा ही पसंद आ गया था। तो जब तक शूट वगैरह कर ले। तो भाई हम लोग एक लोकेशन से फारिग होने के बाद हम दूसरे लोकेशन पर आ चुके हैं। हमारा ये दूसरा लोकेशन है, स्पेस फॉर रेंट ग्राउंड एंड बेसमेंट कंटेंट, ये हमारा बैकग्राउंड है। तो अब हम लोग यहाँ पे तस्वीरें, क्योंकि मैंने वीडियोस वगैरह बना लिए, एक आधा वीडियो मेरी रहती है, बाकी मेरी पिक्चरें वगैरह रहती हैं तो पिक्चरें में क्लिक वगैरह करवा लूँ। तो हमारे साथ आज आया तो लोग को वैसे ही पता होगा ये हमारा रोतू भैया अयान खलील हसनैन। अरे यार हसनैन तो नाराज़ हो गया, बोलता है यार मैं शूट वूट नहीं करवाऊँगा, मेंढक वाला दिल रखा इसने। तो अवैध क्या सीन है बता यार? क्या सीन है, बस यही है, बना ही नहीं रहे इधर उधर। इसने 500 रुपए दिए मेरे को तारीफ करने की जगह की, सही है। इसने बोला कि 500 रुपए दे रहा हूँ जगह की तारीफ करो, तो जगह देखो कैसी जगह में लेकर आया है। और स्कूल का ब्लैक बोर्ड है, इससे तो अच्छा जो है कहीं और बंदा चले जाता, वो घासों में जाके तस्वीरें खिंचवा लेता। ये कोई जगह है और 500 रुपए दे रहा, बोल रहा है तारीफ कर वीडियो में, बताओ यार। भाई मेरे व्यूअर्स को पता है मैं ऐसा बोलता नहीं ठीक है, मुझे उल्टा पैसे मिलेंगे इसके YouTube की तरफ से, तो मैं तुझे क्यों 500 रुपये दूँ, 500 रुपये अपने जेब में नहीं रख लूँ। तो भाई इसी तरह हम लोग अपने लोकेशन पे दूसरे सेकंड लोकेशन पे आ चुके हैं। तो अब हम लोग पिक्चर शूट वगैरह करने के बाद ही मिलते हैं आगे। अगर किसी को एम्पायर के घर पे आना तो ये सीवीओ वाला रोड है और ये सीवीओ के सामने एक्सिट ग्लोब टावर है। ग्लोब टावर वाले इस कट पे जाना है, इस कट के अंदर सीधा अंदर घुसोगे सामने वो एम्पायर का घर पहले ही गली। तो भाई जैसा कि आपको हम लोगों ने बता दिया था कि हम लोग एम्पायर YT के घर के पास जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग उसके घर के पास तो पहुंच चुके हैं यार, ये घर है ठीक है। हाँ बेल बजाओ यार, कोई ना कोई नहीं, कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह मालिक है। तो भाई इसके घर के पास आए, शायद उसकी गाड़ी ये खड़ी है। अब यार हम उससे मिलने आए, शायद वो घर पे हो। अयान जाके गए, बेल तो अयान ने बजा दिया, अब हम उसके इंतज़ार में कि कैमरे में अगर उसने देख लिया हमें तो वो पता नहीं शायद बाहर आए नहीं है, अब ये नहीं पता कि आएगा नहीं आएगा, बट अब हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं, अल्लाह करे आ जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा आगे देखते हैं। तो यार फाइनली हम लोग वहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें ऊपर YT नहीं मिले, हमने बहुत टाइम तकरीबन एक घंटा तकरीबन हम वहाँ उसके घर के पास रुके थे, हमें नहीं मिला। तो उसके बाद रास्ते में रश बहुत थी तभी मैंने व्लॉग वगैरह स्टार्ट नहीं किया, अब सीधा घर आके मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दी। तो इसी तरह व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।